Yeah, hi Margi. How are you? Hi sir. Good. How are you? All good. All good. So good to see Can't you. Can't believe I'm talking to you. What do you do? और आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? I'm right now. I'm in North Carolina. I'm just housewife. But I used to be pharmacy technician. Do you have a question that you want to ask or a couple of questions? Sometimes we feel like we overcome from problem or some worry that we were worrying, and then we get so confident so that I overcome. I don't have problem, but after a few weeks or maybe sometime after a few months, like 4-5 months, you think about or all of a sudden baat yaad aati hai aur wo bother karti hai. ऐसा लगता है कि नहीं अभी बहुत गुस्सा आ रहा है और दुख हो रहा है. मतलब ऐसा क्यों लगता है कि ओवरकम हो गए और उसके बाद भी मतलब हर्ट क्यों होता है? Why do we feel angry about the past? देखो अभी प्रेजेंट में कुछ आपके साथ में हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, मेक सेंस, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में एक्चुअल में हमको गुस्सा करना भी पड़ता है. और ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता है, जानवरों में भी होता है कि जैसे कोई जानवर है वो एक दूसरे को अटैक करने के लिए आते हैं तो दे गेट एंग्री इन ऑर्डर टू शो कि भाई हम आपसे डरे नहीं हैं, क्योंकि जो डर जाता है उसको सामने वाला ओवर पावर करने की कोशिश करता है. तो प्रेजेंट मोमेंट में आप एंगर को यूज कर रहे हो, समझ आता है, बट पास्ट से रिलेटेड आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी हम लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं. मतलब कि एक बेसिक फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ है जिसको अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं. वो क्या है कि जो पास्ट है दैट इज नॉट देयर एनी मोर. That is like a movie playing on a movie theater screen. कि मतलब एक movie hall में एक screen पे कुछ चल रहा है. Yeah. और लोगों को उसको भी देख के गुस्सा आता है, उसको भी देख करके emotions trigger हो जाते हैं. But at least back of the mind ये पता होता है कि ये movie है. तो हम उससे बाहर आ जाते हैं 3 घंटे बाद. For example, there is a movie which you are watching for 3 hours. तो सारे emotions अंदर trigger होते हैं. गुस्सा भी आता है, मजा भी आता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है कई कई बार, डर भी लगता है, सब कुछ होता है. But back of the mind क्या होता है कि अरे कुछ नहीं, मूवी तो चल रही है, तो वी लेट गो. बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है जो भी कुछ हुआ है उसके साथ में. आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सब कुछ बदल चुका है. यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. जो भी हुआ मानो 5 साल पहले हुआ, आर यू द सेम पर्सन? नो, यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटली बदल चुके हो. अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 10 साल पहले या 20 साल पहले जो आप थे और आज जो हैं, वो दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं. उस वक्त जो आप चाहते थे या जो आपको अच्छा लगता था वो उससे बिल्कुल अलग है जो आज आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हो या जो आज आपकी प्रायोरिटीज हैं या जो आज आपको अच्छा लगता है. सो दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज. तो हो क्या रहा है, हम इसको अननेसेसरी कनेक्ट कर रहे हैं जिस वजह से हम फंस रहे हैं, जिस वजह से हम दुखी हो रहे हैं. यानी कि उस मूवी में जो स्क्रीन पे चल रही है और वो स्क्रीन जो आपकी ब्रेन है उसमें एक मूवी चल रही है पास्ट के बारे में, किसी अलग इंसान के बारे में. वो इंसान जो 5 साल पहले तो थी लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है, अब वो है ही नहीं, दैट इज नॉट देयर एनी मोर. जिसके बारे में वो मूवी चल रही है वो भी इंसान हो सकता है, पूरी तरह से बदल गया हो. जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया 5 साल पहले, अब हो सकता है वो एक कंप्लीटली चेंज पर्सन है, अब वो बदल चुका है, वो भी बदल गया है, आप भी बदल गए हो. लेकिन अपने माइंड में इस सच को ना देखने की वजह से हम खुद ही फंस रहे हैं. द मोमेंट यू सी दिस ट्रूथ यू गेट एनलाइटेंड अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि अरे ये तो है ही नहीं, इट्स नॉट देयर एनी मोर, इट्स डेड. तो जो है ही नहीं उसको लेकर के मैं क्यों दुखी हो रही हूं, क्यों गुस्सा कर रही हूं? नंबर 1 वो है ही नहीं, नंबर 2 उसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता. अगर मान लो कुछ था भी तो वो था ना, उसमें पास्ट में जा करके आप बदल तो सकते नहीं हो, टाइम मशीन में बैठ करके आप वहां पे जा करके. तो व्हाई एम आई थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट देयर एनीमोर एंड व्हाई एम आई नॉट फोकसिंग ऑन द पॉसिबिलिटीज, द इनफिनिट पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस पर्सन हु इज देयर इन दिस मोमेंट, कि वो क्या हो सकता है उसके साथ में आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद. मैं वहां क्यों नहीं फोकस कर रही हूं, जो हो गया है एक ऐसे पर्सन के साथ में जो पर्सन अब है ही नहीं, मैं उसके बारे में सोच क्यों रही हूं, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो जब इस तरह से आप सोचने लग जाते हो तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाती है. देन अगर ये कुछ आता भी है तो यू डोंट फाइट विद इट, बिकॉज द मोर यू आर फाइटिंग विद इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स.
उसको इस तरीके से देखो, हाँ ठीक है माइंड में कुछ मेमोरीज पड़ी हुई हैं, आ गई हैं, आने दो, जा रही है जाने दो, फिर वो दैट इज मोर लाइक के एक जैसे हवा का झोंका है, आया और चला गया, खत्म। एक मूवी है, थोड़ी देर के लिए प्ले हुई माइंड में एक दो घंटे के लिए, फिर अपने आप ही डिजोल्व हो गई, खत्म। उसमें सोचना क्या है, वो तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, माइंड में कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे माइंड में कई बार आ जाता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, अरे तो मैं कोई भगवान थोड़े ही हूँ, हो गई क्या हो गया। आपको भी होता है ऐसा? सबके साथ होता है, किसके साथ, मतलब ये मेरे को सुन के बड़ी हंसी आती है जब लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं ना कि आपके साथ भी होता है ऐसा, अरे मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ क्या, एम आई फ्रॉम मार्स और व्हाट, लाइक जो कुछ आपके साथ होता है वो सब मेरे साथ भी होता है। तो मुझे लगता है कि योर हेयर इज ऑलवेज क्लियर, तो मतलब आपके साथ तो होता ही नहीं, आपको कैसे पता? हैव यू एवर सीन इनसाइड माय हेड? हैव यू एवर सीन व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय हेड? Never. तो बेसिकली जो ये हेड है ना, वो हेड है, वो आपका हेड और मेरा हेड नहीं है, वो हेड है। बिल्कुल ऐसा है जैसे स्किन है, जलेगी अगर आपकी भी स्किन तो आपको भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा। ऐसे ही ब्रेन में कुछ पास्ट से रिलेटेड थॉट्स आएंगे, आपके भी आएंगे, मेरे भी आएंगे, बुरा आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। बस फर्क इतना सा होता है कि आप हो सकता है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक तंग कर रहा है, मे बी अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू मंथ्स। मेरे माइंड में जैसे ही कुछ ऐसा आता है, मैं आराम से देखता हूँ, आई गेट अनॉयड, मे बी फॉर अ कपल ऑफ आवर्स और मे बी फॉर इवन डेज, कि एक दो दिन तक वो रहा, लेकिन फिर उसके साथ में मैं लड़ता नहीं हूँ। आई डोंट से टू माई सेल्फ कि क्यों आ गया है, क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, आप समझ गए। मैं बस उसको इस तरीके से देखता हूँ कि ठीक है कुछ आया है, जब आया है तो जाएगा, जाने के लिए ही आया है, आने दो, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, तो वो जल्दी निकल जाता है, तो हम उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। सो ये सारा खेल है कि कितनी जल्दी हम बाहर निकल सकते हैं इस फेस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ वाले घर में, अभी आप जहां पर भी रह रहे हो, आपके साथ वाले घर में जो आपका पड़ोसी है उसकी लाइफ में कुछ होता है, तो क्या आप रोते हो क्या बैठ करके? डू यू फील सैड? नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम तो इंजॉय करते हैं, राइट? वी गॉसिप अबाउट इट, हमें तो मजा आता है, क्या फर्क पड़ता है उसके घर में कुछ भी होता रहे। बिल्कुल इसी तरह से अपने माइंड को देखना होता है कि अरे हुआ हुआ ना, पास्ट था ना, पास्ट में अपने आप को देख करके खुद के ऊपर हंसो। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। एक बार क्या होता है, एक मोनेस्ट्री होती है जहां पे कुछ बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं, तो उसमें एक मंक होता है जो सीनियर मंक होता है, कुछ जूनियर मंक्स होते हैं, तो उन जूनियर मंक्स में से एक मंक उन सीनियर मंक के पास में आता है और आकर के अपना एक क्वेश्चन पूछता है। तो वो जो सीनियर मंक होते हैं वो हंसने लग जाते हैं, वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं, जवाब भी नहीं देते हैं। तो वो जो जूनियर मंक होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, उसको गुस्सा आने लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो हिम्मत करके उनके पास में जाता है अकेले में और जाकर के उनसे पूछता है कि आप प्लीज मेरे को बताएंगे कि आप हंसे क्यों मेरे उस क्वेश्चन पे, आपने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। तो फिर हंसने लग जाते हैं वो जो ओल्ड मंक होते हैं, वो जो सीनियर मंक होते हैं, वो फिर से हंसने लग जाते हैं और हंसते हंसते उसको बोलते हैं यू आर वर्स देन अ क्लाउन। तो वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो फिर वो हंस करके जवाब देते हैं, कहते हैं देखो एक क्लाउन होता है वो कहीं परफॉर्म करता है, जब परफॉर्म करता है तो लोग हंसते हैं, जब लोग हंसते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो जब तुमने कुछ मेरे से पूछा और मैं हंसा तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? इसका मतलब तुम एक क्लाउन से भी गए गुजरे हो। कम से कम क्लाउन को खुद पे हंसना तो आता है, बट तुम्हारी वजह से या तुम्हारे ऊपर कोई हंसता है तो तुम्हें बुरा लगता है, तो यू आर वर्स देन अ क्लाउन, तुम तो मंक बनने के लायक ही नहीं हो। एंड दैट जूनियर मंक गॉट एनलाइटेंड इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उसको एक बात समझ आ गई कि मुझे लाइफ को लाइटली लेना है। जैसे आपने कुछ वो देखी होंगी छोटी सी मूर्तियां लाफिंग बुद्धा की, बेसिकली ही सिंबॉलिक फॉर कि भाई लाइफ में कुछ भी हो रहा है आप हंसते रहो, हल्के फुल्के रहो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। तो अब अगर आपकी जो सिचुएशन है उससे इस कहानी को रिलेट किया जाए तो क्या समझ आता है कि आपका और मेरा यानी कि हमारा हर इंसान का एक पास्ट होता है, पास्ट में हमने जाने अनजाने कुछ गलतियां करी होती है। अब हमारे हाथ में चॉइस है कि उसके बारे में सोच करके, यानी खुद के ही एक ओल्ड वर्जन के बारे में सोच करके, या तो हम गुस्सा हो या फिर उस पर हंसे। तो क्या हम खुद पर हंस नहीं सकते हैं?
क्या हमसे गलतियां नहीं हो सकती है? हाँ. तो हमें हंसना चाहिए. सिंपल नहीं है कि अगर आपसे या मेरे से पास में कोई गलती हुई तो क्या हमको बहुत सीरियस होना चाहिए कि नहीं इससे गलती कैसे हो गई, मेरे से ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे. ये कौन बोल रहा है? ये हमारी ईगो बोल रही है. करना क्या चाहिए हमको? हमको अपने पास के बारे में याद करना चाहिए. वो मेमोरी आई तो हमें हंसना चाहिए. अरे मैं कितना बेवकूफ था, अरे मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने ये क्या कर दिया. कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है. तो क्या हो गया? मतलब हल्के फुल्के में ले लिया उस चीज को, लाइटली ले लिया. इस जूनियर मंक ने क्या गलती करी? बहुत सीरियसली ले लिया अपने आप को. यही तो गलती हम सब करते हैं, यही तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है. वी टेक आवरसेल्फ्स टू सीरियसली, दैट्स व्हाई वी टेक आवर पास्ट टू सीरियसली. हंस दो ना उसके ऊपर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मोस्ट वेलकम.